नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका टीचर, आपका मेंटर आशीर्वाद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सुबह से अनअकैडमी यूपीएससी फॉलो कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है। दिन के 3 बजे का समय है, विशेष एक सत्र है। बात करेंगे आपके साथ भारत, नेपाल और काला पानी। जी हाँ, काला पानी, जी हाँ, काला पानी। चर्चा बहुत पुरानी हो चुकी है, कई बार हो चुकी है, लेकिन इस बार आशीर्वाद सर के साथ जानेंगे डिटेल में इसके बारे में आप मेरे साथ, कि क्या है काला पानी विवाद और क्यों है ज्योग्राफी यहाँ की, क्या है काली, महाकाली, शारदा, सरयू, लिपू लेक दर्रा, धारचूला, नेपाल अपनी बात कहता है, भारत अपनी बात कहता है, कैसे IR, कैसे डिफेंस, कैसे ज्योग्राफी, कैसे इकोनॉमी आगे जोड़ती है पूरे मामले की बात करेंगे आज आपके साथ एक कंप्रेहेंसिव मैनर में। टॉपिक है भारत, नेपाल और काला पानी। सबसे पहले एक तस्वीर, जहां से विवाद शुरू हुआ पूरा का पूरा, एक तस्वीर डीडी न्यूज़ के सौजन्य से दिखा रहा हूं मैं आपको, डीडी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल के सौजन्य से एक तस्वीर हम देखेंगे आपके साथ। ये तस्वीर है कुछ दिन पुरानी, जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उद्घाटन कर रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक सड़क परियोजना का उद्घाटन कर रहे थे। ये 80 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना बन रही है उत्तराखंड बॉर्डर पर, उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर पर, जिससे सेना को, यात्रियों को, पर्यटकों को काफ़ी लाभ होने वाला है। तो भाई एक विजुअल देख लेते हैं पहले आपके साथ दोस्तों हम लोग। ये तस्वीर है कुछ दिन पहले की, जब नेपाल सड़क उद्घाटन किया था वर्चुअल रूप से, हमारे रक्षा मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री साहब ने उद्घाटन किया सड़क का, और ऑफकोर्स थाली बजाई गई। यहाँ पर CDS बैठे हुए हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ बैठे हुए हैं देश के। तो काफ़ी लंबा समय काम चला है अपने आप में, तो आदि पर्वत को काटा गया और सारा काम किया गया। राजनाथ सिंह बात कर रहे हैं इस बारे में अपनी। चलिए, ये तो एक चर्चा हुई क्या हुआ यहाँ पर, बहुत बड़ा काम है अपने आप में, आप समझ सकते हैं। इस परियोजना को बनाने में ना कई पहाड़ काटने पड़े, और यहाँ आता है एक इन पॉइंट सत्र, वो समझेंगे आपके साथ, ये समझेंगे। ये आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है दोस्तों, बीच में काली नदी, एक साइड इंडिया और एक साइड नेपाली पहाड़। पहाड़ वही हैं, रंग वही है, बीच में नदी है, एक तरफ इंडिया और एक तरफ नेपाल। ये है भारत सरकार द्वारा एक प्रकार से जारी वीडियो। चलिए कोई बात नहीं, हमारा काम नहीं है। ये सड़क कहाँ से कहाँ बनी है एक बार वो समझते हैं दोस्तों आपके साथ मैप के जरिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैप चलते हैं, आपको दिखाएंगे अपनी मैप की सीरीज में। मैप खोलेंगे आपके साथ, मैप हमारे पास क्या है। चलिए, तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में सड़क दोस्तों, यहाँ मैप देखते हैं आपके साथ, आराम से देखेंगे और पूरा समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा कलरफुल कर लें मैप हम लोग, चेहरा तो अपनी पेन ले आए, काम करेंगे, आप समझेंगे आराम से। भारत ने सड़क बना रहा है, भारत कहाँ से कहाँ तक, देखिए ये जगह दिख रही है आपको, नारायण आश्रम। ये कहाँ मालूम है आपको? उत्तराखंड बॉर्डर है, थोड़ा सा आप देख पाए हम लोग, ये उत्तराखंड बॉर्डर है नेपाल, ये नेपाल उत्तराखंड बॉर्डर है, पूरा हम इसकी बात कर रहे हैं। तो आप पहले आप आराम समझ सकते हैं, थोड़ा और थोड़ा जूम कर दें अच्छा रहेगा, और थोड़ा जूम कर लें उत्तराखंड को। एरा ये मान लीजिए उत्तराखंड है अपना पूरा का पूरा, यहाँ दिल्ली से आ गए नैनीताल, पिथौरागढ़ तक आ गए दिल्ली से, आप दिल्ली से आ गए पिथौरागढ़ तक। इसके बाद आप पहुँचेंगे सड़क मार्ग से धारचूला, धारचूला एक जगह है, और धारचूला से आगे पहुँचेंगे आप घाटियाबाड़गढ़ जो है ये सड़क तक पहुँच सकते हैं आराम से, सड़क मार्ग से पहुँच, धारचूला से आगे घाटियाबाड़गढ़ तक आप अब तक सड़क से जा सकते थे आराम से। लेकिन आपको घाटियाबाड़गढ़ से अगर जाना है लिपू लेक दर्रे तक, लिपू लेक दर्रा है यहाँ भारत की सीमा है, अंतिम सीमा, तो यहाँ पर लिपू लेक दर्रा है, अगर वहाँ तक आपको जाना है तो 80 किलोमीटर के लिए आपको पैदल चलना होता था। ये मोटरेबल या सड़क वाहन चलाने के लिए नहीं थी, यहाँ पैदल जा सकते थे आप। और 80 किलोमीटर आप समझ सकते हैं बहुत लंबा रास्ता होता है, 3 से 4 दिन लगते थे सैनिकों को, मानसरोवर यात्रियों को, कि वो करते क्या है मानसरोवर यात्री, यहाँ से जाएंगे लिपू लेक तक, फिर लिपू लेक से चीन में प्रवेश करेंगे, और चीन में जाएंगे 5 किलोमीटर आगे तक पैदल, उसके बाद सड़क मिलती है मानसरोवर जाने के लिए उनको। यह है मानसरोवर आपका। तो यानी कि भारत से चीन सीमा तक जाने के लिए, इस घाटियाबाड़गढ़ से लेकर लिपू लेक तक जाने के लिए, ये जो 80 किलोमीटर का रूट था ये उन्हें तय करना होता था पैदल चलकर, चाहे यात्री हो, टूरिस्ट हो या सेना के जवान हो। और लंबा समय है, आप समझ सकते हैं चीन का बॉर्डर है बिल्कुल ये, तो हटा दूँ फिर से देख पाएंगे आराम से, मैं इसको देखकर साफ करता हूँ यहाँ से। तो आप देख रहे हैं ये है लिपू लेक दर्रा, जहाँ से आप एंटर कर रहे हैं चीन में। चलिए, ये है लिपू लेक दर्रा, यहाँ से आप एंटर करते हैं चीन के। तो चीन में चलना पड़ता है 5 किलोमीटर पैदल आपको, फिर सड़क मिल जाती है, फिर आप गाड़ी चला सकते हैं आराम से मानसरोवर तक। यानी कि यात्रियों को 80 किलोमीटर यहाँ पर और 5 किलोमीटर यहाँ पर तय करना पड़ता पैदल सफ़र। अब सरकार ने क्या किया, भारत सरकार के BRO ने, सड़क सीमा संगठन ने दोस्तों क्या किया है, घाटियाबाड़गढ़ से लेकर लिपू लेक तक सड़क तैयार कर दी है। इस 80 किलोमीटर सड़क का निर्माण होने पर नाराज हो गया नेपाल। नेपाल की बात बाद में करेंगे आपसे, पहले अपनी मन की बात कर लें दोस्तों। क्या मेरी आवाज़ पहुँच रही है? पहुँची, पूछने भूल गया मैं तो आपसे, सब ठीक चल रहा है ना माँ? जी हाँ, सब ठीक चल रहा है। तो एक बार स्विच कर लें, हम बात कर रहे थे आपसे दोस्तों ये जगह। आइए एक बार थोड़ा सा ग्रामर अपना सही कर लें, आपने जो पढ़ा अब तक मेरे साथ,
आपने पढ़ा कि दिल्ली से पिथौरागढ़ तक आप जा सकते हैं आराम से, 490 किलोमीटर तक है सड़क मार्ग, पिथौरागढ़ पहुंच गए सड़क से आप, पिथौरागढ़ से घाटियाबगढ़ जो जगह है वहां तक 130 किलोमीटर सड़क से जा सकते हैं आराम से, तो घाटियाबगढ़ पहुंच गए सड़क से आप। घाटियाबगढ़ से लिपुलेख जाना है अगर आपको, जो चीन सीमा पर है, तो आपको 79 लगभग 80 किलोमीटर चलना पड़ेगा पैदल मार्ग से, पहाड़ हैं, बहुत कठिन मार्ग है जगह जगह, तो बहुत मुश्किल मार्ग है, जहां आपको सड़क से चलना नहीं थी वहां पर पैदल चलना पड़ता था। और फिर चीन की सीमा पहुंच गए आप, चीन पहुंच गए उसके बाद 5 किलोमीटर और चलना पड़ेगा आपको पैदल वहां पर, उसके बाद फिर आप मानसरोवर तक जा सकते हैं आराम से, 97 किलोमीटर उसके आगे जा सकते हैं। ये तो है मानसरोवर का वर्तमान मार्ग जो उसका यूज़ कर रहे हैं हम लोग, करते थे अब तक यहाँ पर हम लोग। चलिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ उस पर आते हैं दोस्तों आपके साथ। अब घाटियाबगढ़ से सड़क बन गई लिपुलेख तक, काम चालू हो गया, सड़क बन गई यहाँ पर, किसी को समस्या नहीं है, नेपाल को समस्या है। नेपाल का कहना क्या है चलेंगे उसके लिए, एक मैप और दिखाते हैं आपको। अब थोड़ा सा मैप चलते हैं डिटेल में यहाँ पर। तो ये मान लीजिए घाटियाबगढ़ से ये सड़क बन रही है आपकी 90 किलोमीटर की, और ये पहुँचेगी लिपुलेख, उसके बाद चीन की सड़क फर्दर आगे जाती हुई, ठीक है। नेपाल का कहना है जनाब, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया छोटा सा एरिया जो भारत बता रहा है, इस एरिया को कहते हैं काला पानी, इसे कहते हैं काला पानी पहाड़ियाँ, काला पानी का एरिया। नहीं दिख रहा आपको, समझ में नहीं आया, यहाँ देख सकते हैं, इस मैप में भी दिखा सकता हूँ मैं आपको, यहाँ पर एक बार स्विच कर लेते हैं। तो ये जो इलाका है दोस्तों, ये इलाका है काला पानी का। अभी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं सर, दोबारा दिखाएंगे आपको, बहुत मैप है सर के पास दिखाने के लिए। समझ आ रहा मैप कहाँ का है दोस्तों? ये मैप है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट आपकी, ये है पिथौरागढ़ जिला आपका, ये नेपाल की सीमा हो गई, बह रही है नेपाल की सीमा पिथौरागढ़ के। ये जो इलाका है ये कौन सा है दोस्तों? ये है काला पानी, और यही बना हुआ है लिपुलेख। और एक बार देखें जूम करके आपके साथ, पिथौरागढ़ को जूम करके देखते हैं, ये है लिपुलेख और ये इलाका है काला पानी का। ये है काला पानी, मतलब ये इलाका कहूँ काला पानी का, ये इलाका काला पानी का है और बना है लिपुलेख दर्रा, ये चीन की सीमा है, ठीक है। ये भारत का पिथौरागढ़, और ये इलाका है काला पानी का, ये मैं रेड से करता हूँ इसको, तो ये हो गया लाल पानी नहीं काला पानी, ठीक है। ये काला पानी का इलाका, और यहाँ बन रहा है दर्रा, दर्रा जानते हैं पास, दर्रा गुजर सकते हैं आप, जा सकते हैं यहाँ से, आते हो सड़क आ रही है आपकी आराम से, यहाँ से यहाँ तक धारचूला से होते हुए सड़क आई, अब जाएगी सड़क लिपुलेख से पहुंच जाएंगे चीन। इतना मामला समझ में आ गया आपको तो अच्छी बात है। अब आइए काला पानी की बात क्या है, यहाँ पर आता है काला पानी। नेपाल कहता है जनाब सड़क यहाँ तो ठीक है आपकी, सड़क यहाँ तो ठीक है, लेकिन जैसे आप यहाँ एंटर कर रहे हैं सड़क को लेकर अपनी, आप जो सड़क बिछा रहे हैं यहाँ पर, सड़क जो जा रही है आपकी यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या हमको नहीं है, लेकिन जैसे आप एंटर कर रहे हैं यहाँ पर और निकल रहे हैं यहाँ से, यहाँ तो जा रही सड़क आपकी, यहाँ तक सड़क बनानी है हमको, तो ये सड़क जो जा रही है ना, ये नेपाल का इलाका है, क्योंकि ये काला पानी है नेपाल का है, लिपुलेख भी नेपाल का है आपका नहीं है, लिपुलेख दर्रा भी हमारा है, काला पानी हमारा है, आपकी सीमा यहाँ खत्म हो जाती है, ये कहना है नेपाल का। चलिए जनाब, अब ये नेपाल ऐसा क्यों कहता है, क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं दोस्तों मैप के जरिए आपको? उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बातें समझ पा रहे हैं आप लोग आराम से, ठीक चल रहा है मामला? जी हाँ ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। ये वो लिपुलेख का विवाद है, यहाँ पर लिपुलेख सड़क बनाई, विवाद किया नेपाल ने, विवाद का कारण क्या, उसका मानना है काला पानी का इलाका हमारा है, लिपुलेख दर्रा हमारा है, आपको सड़क नहीं बनानी चाहिए। फिर भारत का सड़क बना गया, नेपाल के सैनिक थे वहाँ पर? जी नहीं, 1962 में, 62 से पहले यहाँ कोई सेना थी नहीं कभी, यहाँ कोई लिपुलेख दर्रा खाली पड़ा था बस, नेपाल बोलता था हमारा है, भारत कुछ बोलता नहीं था। 1962 में जब चीन हुआ, इंडो चाइना वॉर हुआ, तो भारत सरकार ने अपनी ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस बाद में बनी, इसके बाद तो हमने पहले स्टार्टिंग में सेना बनाई वहाँ पर, बाद में जब ITBP बना उसके जवान तैनात कर दिए हमने बाद में ले जाकर यहाँ पर, तो ITBP ने अपनी एक चौकी बना रखी है परमानेंट यहाँ पर। अब ITBP की चौकी है काला पानी चौकी है, काला पानी उसका एक जगह है जहाँ पर उसके चौक गार्ड तैनात हैं, सीमा की सुरक्षा करते हैं, लिपुलेख की सुरक्षा करते हैं भारत के जवान। तो भारत सरकार ने 1962 के चीन के युद्ध के बाद लिपुलेख की इंपॉर्टेंस को समझते हुए, इस काला पानी एरिया के इंपॉर्टेंस समझते हुए अपने सैनिक भेज दिए, ITBP जवान तैनात कर दिए। नेपाल का मानना है जनाब ये उल्लंघन है हमारी सोवरेनिटी का, हमारी संप्रभुता का। एक बार जब मैं IR पढ़ा रहा था आपको याद होगा, बात है बहुत पुरानी हो चुकी है, सालों पहले की बात है, जब मैं IR पढ़ाया करता था आपको यहाँ पर, तब की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तब मैंने एक मैप दिखाया था आपको। आइए फिर देखते हैं उस मैप को दोस्तों आपके संग, काला पानी का मैप देखते हैं आपके संग, काला पानी का मैप कहाँ मिलेगा IR की क्लास में, स्विच करने एक बार सब मैप देख पाए ढंग से हम लोग यहाँ पर दोस्तों। फटाफट लाइक शेयर तो करते रहेंगे ना, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप लोग लाइक शेयर वाला काम तो कर ही रहे होंगे। ये आगे बढ़ते हैं आपके साथ, सार्क कंट्रीज़ में आता है नेपाल, सार्क में आता है नेपाल, नेपाल कहाँ गया हमारा पड़ोसी नेपाल, नेपाल में चलेंगे काला पानी के अंदर। तो काला पानी का जो इलाका है बताया मैंने आपको यहाँ पर, हम करके देख पाए हम लोग, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो इलाका आप देख रहे हैं काला पानी चौकी आपको दिख रही है भारत का मैप, भारत की चौकी आपको दिख रही है काला पानी की यहाँ पर। तो लिपुलेख पास काला पानी पर कैंप है भारत का, जहाँ भारत चेकपोस्ट बना रखा है, भारत ने अपनी सीमा तैयार कर रखी है, ठीक है। चलिए
तो ये इलाका डिस्प्यूट आपको दिख रहा है, छोटा सा इलाका डिस्प्यूट आपको दिख रहा है यहाँ पर, कोई समस्या हमको नहीं है। अब नेपाल में इस बात को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, समझिएगा, नेपाल में इस इलाके को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। क्यों प्रोपेगेंडा होता है वो समझिएगा। ये नेपाली अखबार का मैं आपको एक विज्ञापन दिखा रहा हूँ, अटल जी और कोइराला साहब वहाँ के। अब देखिएगा नेपाल की चेयर, जो काला पानी चेयर दिख रही है आपको यहाँ पर नीचे रखी हुई, मैं आपको थोड़ा सा जूम कर दिखाता हूँ, कई बार दिखा चुका हूँ वैसे आपको, लेकिन नेपाली प्रोपेगेंडा किस प्रकार का है। काला पानी की चेयर आपको दिख रही है दोस्तों यहाँ पर, ये काला पानी पर भारत बैठा हुआ है, नेपाल के इलाके में आता है काला पानी, भारत बैठा हुआ है काला पानी पर, अपना कहना चाहिए बंदूक लेके बैठा हुआ है भारत, ये कहना है नेपाल का एक प्रकार से, ये धमकी है एक प्रकार से। और देखें कोई, ये एक और कार्टून यहाँ पर नेपाली अखबार का, नेपाली प्रोपेगेंडा का, किस प्रकार नेपाल दिखा रहा है कि जो हमारा सस्ता का इलाका है, सस्ता कहते हैं वो अपने इलाके को, ये इलाका हमारा है, लेकिन भारत यहाँ बैठा हुआ है अपनी तशरीफ लेकर, और नेपाल साइड में कहता है पैर भी रखे हमने तो यहाँ पर, बैठा नेपाल के इलाके में। ये नेपाली प्रोपेगेंडा है दोस्तों काला पानी को लेकर, वो दावा करता है हमारा इलाका है, हमारा इलाका है नेपाल का, और यहाँ पर नेपाली वो बताते हैं पॉलिटिशियन सोते रहते हैं और भारत उनके इलाके कब्जा कर रहा है। इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है, सारी बातें समझें, बात सारी काम की ये है कि नेपाल इस काला पानी को लेकर एक प्रोपेगेंडा फैलाता है इंडिया के खिलाफ अपने देश के अंदर, जिससे नेपाल के आम आदमी में, आम लोगों में अब भारत के प्रति नफरत की भावना पैदा होती है। तो नेपाल एक इशू बना रहा है धीरे धीरे, इसको बोलता है काला पानी पर हमारा कब्जा है। ऐसा नेपाल क्यों बोलता है, उसके लिए भी कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए दोस्तों। जी हाँ, एक बैकग्राउंड है, चलते हैं आपको उस बैकग्राउंड पर लेकर हम लोग पीछे एक बार, आइए स्विच कर लूँ मैं आपके साथ, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर क्यों ऐसा नेपाल बोलता है, इसके बोलने के पीछे कहानी क्या है। ठीक है, याद कीजिएगा, नेपाल दावा करता है कि 1816 में एक संधि हुई थी नेपाल के गोरखा और अंग्रेजों के बीच में, उस संधि का नाम क्या था दोस्तों, संगोली की संधि, ट्रीटी ऑफ संगोली 1860 में हुआ था, जिसमें कहा गया था कि ये नदी जो है काली नदी, ये सीमा होगी दोनों राष्ट्रों की, इसके इधर ब्रिटिशर्स होंगे, ईस्टर्न साइड में कौन होंगे, नेपालीज गोरखा लोग। यानी माना गया कि यहाँ पर संगोली की संधि जो है इसकी पश्चिमी सीमा, इसके जो वेस्ट में होगा वो भारत का होगा, और इसका जो ईस्ट पार्ट होगा वो किसका होगा, नेपाल का होगा। ठीक बात है, यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। फिर विवाद कहाँ पर आ गया, विवाद कहाँ पर आया सर, बोर्ड समझाइए, बोर्ड पर समझाइए, बोर्ड पर समझाएंगे आपको दोस्त। ये जो इलाका मान लीजिए इलाका है ये, ठीक है, ये है काली नदी आ रही है, उस समय जब 1816 में क्या हुआ था, काली नदी सीमा ये ब्रिटिशर्स का हो गया, नेपाल का हो गया, मुश्किल नहीं था, माना कि ओरिजिन नदी का यहाँ पर है और पीछे नदी यहाँ से आती होगी, क्योंकि उस समय इतने उपकरण नहीं होते थे आपके पास, इतनी मशीनें नहीं होती थी कि आप जाके देख सकें वहाँ पर कहाँ से नदी आ रही है। 1860 में इतने उपकरण नहीं थे कि ग्लेशियर पर चढ़ के आप जा सकें नदी कहाँ से आ रही है, तब तो मान लीजिए सीमा ऐसी होगी, तो ये भारत का हो गया, ये नेपाल का हो गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब एडवांस उपकरण आ गए, जब मशीनें आ गईं, जब एडवांस रूप से आपके पास ग्लेशियर पर चढ़ने की तकनीकें आ गईं, फिर आपने देखा ये मशीन निकलती कहाँ से नदी, ये नदी ऐसे निकलती है, ये नदी ऐसे ब्रांचेस से निकलती है और ये ऐसे आकर ये पहाड़ों से नदी पानी आके नीचे गिरता है, या फिर एक तरीका समझा सकता हूँ मैं आपको यहाँ पर, एक तरीके से देख सकते हैं इसको हम लोग यहाँ से भी और इस मैप से भी देख सकते हैं। अब ये मैप देख रहा हूँ मैं आपको, सेटेलाइट इमेज दिखा रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, ये देख रहे हैं हम लोग, ये है काली नदी वैसे आती हुई, काली नदी आती हुई, ठीक है, हम देख रहे हैं काली नदी कहाँ से बन रही है, यहाँ से पहाड़ों से पानी जाता है, इसमें पहाड़ से पानी जा रहा है नीचे की तरफ, ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं, ये ढलान का पानी आ रहा है इसके अंदर। तो भारत कह रहा है भैया काली नदी तो कहाँ स्टार्ट हो रही है, काली नदी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, पानी यहाँ का आ रहा है ना नदी के अंदर, यहाँ का पानी आ रहा है नदी के अंदर, तो नदी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। नेपाल कहते नदी तो जनाब ये नदी है, तो नदी तो ये स्टार्ट हो रही है, तो ये हमारा इलाका है, ये आपका इलाका है। हम कहते नहीं जनाब, नदी तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, पश्चिम से आप देखो तो ढाल का इलाका हमारा हुआ, ये पूरा इलाका हमारा हुआ, ये काला पानी का इलाका भी हमारा हुआ। तो इस आधार पर, ढलान के आधार पर भारत क्लेम करता है कि भैया इलाका हमारा है। क्या बात समझ में आई दोस्तों, एक मिनट रुकेंगे आपके साथ, आपका इंस्ट्रक्शन ले लूँ मैं, आप बता दीजिए समझ में आई कि नहीं भाई बात, तो मैं आगे बढ़ूंगा दोस्तों। आपको बात समझ में आई क्या नहीं आई, काला पानी जगह का नाम है दोस्तों, ये पहाड़ का नाम है, जो पहाड़ दिख रहे हैं पूरे, ये काला पानी है। और साफ कर दो एक बार, मैं आपको यहाँ पर देख पाए आराम से, तो ये नदी काली नदी आ रही है, ये नदी आगे जाती काली नदी जाती है, ये पहाड़ दोनों तरफ पहाड़ हैं इसके, कुछ कुछ पानी यहाँ से पहाड़ों से आता रहता होगा, नदी में यहाँ से आता रहता होगा। भारत कहते हैं आप काली नदी कहाँ पर है, तो आप कहेंगे नदी ये नहीं, हम कहते नहीं नदी ये नहीं है, नदी तो पहाड़ के ऊपर से आ रही है ना धीरे धीरे बहती हुई, तो पहाड़ के ऊपर की सीमा हमारी है, इसके इधर का इलाका हमारा है और इधर का इलाका आपका है। यानी बहुत सीधी बात है, भारत का दावा है कि चूंकि नदी नहीं होती सीमा, नदी का ओरिजिन जहाँ से हो रहा है वो सीमा है, तो पहाड़ के ऊपर का इलाका हमारे पास है और पहाड़ के जो ईस्टर्न साइड है वो नेपाल के पास है।
यानी ये इलाका भारत का हो गया, काला पानी का इलाका भारत का हो गया और वो नेपाल का, इसको लेकर नेपाल नाराज रहता है। नेपाल का मानना है नदी की बात की जाएगी ना कि पहाड़ की बात की जाएगी, तो उस पर डिस्प्यूट चलता रहेगा, कोई समस्या नहीं है। और ये बनाए लिपु लेक दर्रा, ये बनाए लिपु लेक दर्रा आपका, यहाँ से नेपाल चीन में जाते हैं आप। तो ऐसे में भारत सामरिक कारण छोड़ने को तैयार नहीं है, नेपाल अपनी प्रेस्टीज का शुभ बनाता है, संगोली की बात करता है वो छोड़ने को तैयार नहीं है, विवादित विषय बना हुआ है, विवादित चर्चा बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, समझ आ गई हमको बात यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ तक समझ आ गई है बात, सबको समझ आ गई है। थोड़ा ध्यान दीजिए क्लास के ऊपर दोस्तों, आप भटकते रहते हैं इधर उधर, ध्यान सुनिएगा, ध्यान समझिएगा, बहुत सिंपल सा काम है। संगोली सदी में कहा गया था नदी होगी सीमा, नदी होगी बाउंड्री, उस समय नदी का ज्ञान हमको यहाँ तक था, यहाँ से नदी आती है, नदी का इलाज कला का भारत का, इलाज कला का नेपाल का। उस समय क्यों ग्लेशियर पर चढ़ नहीं सकते थे, ऊपर जा नहीं सकते थे ऊपर यहाँ पर। बाद में क्या हुआ, जब ग्लेशियर एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई तो हमने जाके देखा ग्लेशियर के ग्लेशियर कहाँ से निकलता है, तो हमने आइडेंटिफाई किया यार ग्लेशियर में है ना नदी यहाँ से आती है, ये नदी आ रही है। ठीक है, अच्छा नदी में पानी कहाँ से आता है, नदी में पानी ये जगहों से आता है, पहाड़ से ढलान से आता है, ढलान है पहाड़ ऊँचे ऊँचे हैं दोनों तरफ, नदी में पानी यहाँ से आता है। तो भारत ने दावा किया जनाब चूँकि नदी में पानी यहाँ से आता है तो नदी की सीमा ये नहीं कहलाएगी, सीमा ये कहलाएगी यहाँ से, क्योंकि ये जो चोटी है यहाँ का पानी इधर और यहाँ का पानी इधर जाता है, तो ये चोटी है बिल्कुल शीर्ष नदी का, तो यहाँ से ये सीमा हमारी होगी, इधर वाला इलाका हमारा होगा और इसके इधर वाला इलाका नेपाल का होगा, यानी ये बाउंड्री काला पानी का इलाका हमारा होगा और उधर का इलाका नेपाल का होगा। अब ठीक है प्रभात, अब ठीक है शिवम, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गई आपको बात, अब दो बार समझा चुका हूँ मैं, अब आराम से समझ में गए होंगे आप लोग। कहानी थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, तो विवाद का शुभ पड़ गया आपको, काला पानी मिल गया आपको विवाद यहाँ पर। अब सड़क बनाएगा भारत यहाँ से होकर, यार ये सड़क यहाँ से हो जाएगी लिपु लेक तक, तो नेपाल नाराज हो गया। चलिए नाराज होने दीजिए नेपाल को, हमारे काम में कुछ और है इसके अंदर, याद रखिएगा। भारत कहता है जनाब, देख लीजिए फिर से एक बार मैप में, काली नदी का इलाका, अब नेपाल बोलता है काली नदी कहाँ से आ रही है दोस्तों, वो बोलता है सीधे तरीके से आ रही काली नदी, हम कहते हैं नहीं ये काली नदी आ रही है आपकी, वो कहता है नेपाल ऐसे आती काली नदी, ये इलाका इसका है, इसलिए हम कहते हैं नहीं जनाब काली नदी ऐसे आ रही है और इसलिए इलाका हमारा है भारत का है। तो ये काली नदी के उद्गम को लेकर सारी समस्या है भारत और नेपाल के बीच में, कोई समस्या नहीं है दोस्तों हमारे लिए। ये हुआ लिपु लेक और ये हो गई सारी बात, आगे बढ़े आपके साथ कहानी को लेकर। तो याद रखिए भारत कहता है कि काला पानी जो इलाका है भारत के पिथौरागढ़ में है, फिर सुन लीजिए आराम से, भारत कहता है कि काला पानी का इलाका भारत के पिथौरागढ़ में है, नेपाल कहता है नहीं नहीं जनाब ये तो नेपाल के दारचूला में है। तो नेपाली लोग अपना क्लेम करते हैं और भारतीय लोग अपना क्लेम करते हैं, क्लेम चलता रहेगा, सड़कें बनती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं आपके साथ, आखिर इसको जानना ज़रूरी क्यों है, इसको जानना ज़रूरी क्यों है दोस्तों, बात करें आपके साथ इसमें खास क्या है। चलिए अब आते हैं इशू पर आपके साथ, फटाफट इशू पर आते हैं आपको लेकर हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो पता बता दिया कौन निकलता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सड़क बन रही है, जो ये सड़क बनी है दोस्तों आपकी, ये सड़क बन रही है कहाँ से कहाँ तक, धारचूला से लिपु लेक तक सड़क जो बनी है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है बताया मैंने आपको, सामरिक इंपॉर्टेंस है, सेना जल्दी पहुँच सकती है, इसके बाद कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं आराम से, आप जल्दी पहुंच सकते हैं, टूरिज्म बढ़ सकता है यहाँ से, यानी सड़क का महत्व बहुत ज़्यादा है, दोरा इसमें नहीं है, सड़क का महत्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो आप जो पहले दो तीन दिन लगते थे पहुँचने में, अब वहाँ पर कुछ घंटे में आप आराम से वहाँ पहुँच सकेंगे, कुछ घंटे के अंदर वहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो कुछ ही घंटों में पहुँच जाएंगे आप सड़क बनने से, जो फ़ायदा मिल सकता है आने वाले दिनों के अंदर, कोई समस्या भी नहीं है। विरोध क्यों कर रहा बता दिया नेपाल, विरोध क्यों कर रहा है मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। 1962 से ही भारत की सेना यहाँ पर तैनात, चौकी बना दी गई, काला पानी चौकी बना दी गई है। इसके अलावा इकोनॉमिक आस्पेक्ट समझिएगा, या देखिए नेपाल के हज़ारों लोग ना उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में माल ढुलाई का काम करते हैं, पहाड़ों पर गाइड का काम करते हैं, पोर्टर का काम करते हैं, लोगों के लिए सामान उठाते हैं उनके। जब सड़क बन जाएगी तो क्या होगा, नेपाली लोगों को अपना व्यवसाय छिनने का खतरा नज़र आ रहा है, समझा रहे दोस्तों बातें यहाँ पर, नहीं आ रही बात समझे, समझिएगा। अगर एक मानसरोवर यात्री है, धारचूला से लिपु लेक तक जाना है, 80 किलोमीटर पैदल चलना है, 3 से 4 दिन का सफ़र है, बुज़ुर्ग होंगे आमतौर पर तीर्थयात्री, तो उनका सामान उनको उठा के ले जाना, कई बार उनको कंधे पर ले जाना, उनके सामान का वहन करना, उनको गाइड करना ज़रूरी होता है। सड़क बन जाएगी, मोटर वाले आ जाएंगे, बटन इंजन दबाया, तुरंत 2 घंटे में पहुँच गए लिपु लेक, जहाँ 4 दिन का रोज़गार मिलता गरीब नेपाली को, भले इंडिया में काम कर रहा है लेकिन रोज़गार तो मिल रहा है ना उसको, तो है नेपाल का, उस तरफ का है सीमा के, लेकिन इस तरफ आके काम कर रहा है क्योंकि नेपाल बॉर्डर खुला हुआ है, वो आके काम करता है यहाँ पर, उसको 4 दिन का रोज़गार मिलता है उस इलाके में, एक यात्री 4-5 दिन के लिए हायर करता है उसको, कम से कम आना जाना दोनों शामिल करता है उसके अंदर वो, तो ऐसे में उसको मालूम है कि एक अच्छा रोज़गार उसको चल रहा है, काफ़ी बड़ी संख्या में यात्री जाते भी हैं, सेना के जवान यूज़ करते हैं वहाँ के नेपाली लोगों को सामान उठवाने के लिए, तो ऐसे में दो राय नहीं है कि नेपालियों को उससे रोज़गार मिलता है। अब सड़क बन जाएगी,
आपकी कार वहाँ तक जा सकती है, तो क्या आपको माल ढुलाई के लिए लोग चाहिए वहाँ पर 3 दिन के लिए? नहीं चाहिए। वहाँ पर टैक्सी चलेंगी, भारत की रजिस्टर्ड टैक्सी चलेंगी, भारत में रजिस्टर्ड होगा तभी आपकी गाड़ी चल पाएगी। तो ऐसे में नेपाली लोगों को लगता है कि उनका रोज़गार यहाँ छिन जाएगा इस सड़क के बनने से, और वो लोग अपने यहाँ जाकर इसका विरोध करते हैं और सरकार वहाँ पर प्रेशर बनाती है भारत सरकार के ऊपर। तो उसका एक इकोनॉमिक एंगल भी याद रखिएगा, आईआर का एंगल भी है, हिस्टोरिकल एंगल भी है, और ज्योग्राफिकल एंगल भी है, और एक इकोनॉमिक एंगल भी इसमें याद रखिएगा। ये काम आ सकती हैं बातें आपके लिए, समझ पा रहे हम लोग? यहाँ बात समझ में आ रही दोस्तों आपको? यहाँ पर ये नेपाली टैक्सी चलाएगा, कितनी टैक्सी चलाएगा? टैक्सी चलाएगा तो भारी कंपनी आ जाएंगे सीधा। अब तो यहाँ पर पैदल चलना होता है तो लोकल गाइड चाहिए होता है, जब टैक्सी चलानी तो कोई भी आ जाएगा, बाहर से भी आ जाएंगे लोग यहाँ पर चलाने की गाड़ी, तो थोड़ा बड़े लोग आ जाएंगे चलाने के लिए, तो नेपाली का रोज़गार कम हो जाएगा। बहुत सीधी बात है, मैनुअल लेबर की जगह जहाँ कार का इंजन आ गया वहाँ आवश्यकता कम पड़ेगी लोगों की आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ, इसमें कुछ बचा बताने के लिए सुन लीजिए, इसमें कुछ भी ऐसा काम नहीं जो बताया जाए आपको। लक्ष्य यहाँ पर सड़क मार हो गया हमारा, काला पानी बात बता दी, काला पानी बात बताया क्या होता है। चलिए अच्छा बात करें तो नदी के बारे में बात करूँ, नदी दीजिए 5 मिनट, नदी के बारे में बात करूँ दोस्तों मैं आपसे, रहा इस नदी की बात कर रहा था मैं आपसे, नदी की बात कर लूँ तो बट सुन लीजिए, ये नदी आपके स्क्रीन पर, ये नदी है सफ़ेद पानी की नदी, काली नदी बोलते हैं, काली है सफ़ेद पानी इसके अंदर बड़ा, शारदा नदी काली नदी। सुन लीजिए, काली नदी को हम कहते हैं मान लो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, शारदा नदी भी कहते हैं, कुटियांगड़ी भी कहते हैं, महाकाली नदी भी कहते हैं, कई नदियाँ नाम है इसके। यहाँ पर काली नदी का सोर्स क्या है दोस्तों, कहाँ से ओरिजिन होता है काली नदी का, जो सीमा पर नदी बह रही है सोर्स क्या है उसका? लिम्पिया धुरा, ठीक है, लिम्पिया धुरा याद रखेंगे, लिपु लेक से जुड़ा हुआ नाम है, लिम्पिया धुरा नाम का सोर्स है, पिथौरागढ़ में ये इलाका आता है जहाँ से नदी का उद्गम होता है। तो ये पहाड़ देखा था ना पीछे आपने, पहाड़ काला पानी में पहाड़, ये नदी निकल रही थी, तो ये है लिम्पा धुरिया पहाड़, यहाँ पर लिम्पा धुरा पहाड़ जहाँ से नदी का उद्गम होता है, पिथौरागढ़ जिले में आता है दोस्तों ये उत्तराखंड के, ठीक है याद रखिएगा। इसके अलावा आराम सुनिएगा, इसे महाकाली बताया नाम कहते हैं इसको, यहाँ पर ये कई जगहों से गुजरती है, कई ट्रिब्यूटरीज जुड़ती हैं सनक, समझिएगा। लिम्पा धुरा से स्टार्ट होती है टनकपुर, उत्तराखंड में आता है इलाका, ये टनकपुर तक ये पहाड़ों पर बहती है, उत्तराखंड से यूपी में आती है ना, टनकपुर के बाद ये एंटर करती है यूपी में और जाके मिल जाती है घाघरा नदी से आगे जाकर, तो घाघरा से मिल जाती है आगे जाकर, काम का नहीं है मेरे, काम का ये है कि काली नदी टनकपुर जो इलाका है उत्तराखंड में वहाँ से एंटर करती है यूपी के प्लेन एरिया में, मैदानी क्षेत्रों में, ठीक है। तो टनकपुर का नाम थोड़ा याद रखेंगे, काम का है टनकपुर का नाम, टनकपुर काला पानी से टनकपुर तक उत्तराखंड में बहती है दोस्तों, काला पानी से टनकपुर तक उत्तराखंड में बहती है और ये सीमा बनाती है भारत और नेपाल के बीच की सीमा बनाती है। तो सीमा किस प्रकार की नदी ऐसे बहती है यहाँ पर, ये तो सीमा भी यहाँ पर थोड़ा लिक्विड हो जाती है, कभी नेपाल में कभी भारत में, कभी नेपाल में कभी भारत में एंटर करती रहती है ये। तो यहाँ पर ये टनकपुर से काला पानी तक भारत नेपाल सीमा के बीच में बह रही होती है, ठीक है, यहाँ पर समस्या नहीं है हमको, यहाँ पर यहाँ भी कोई समस्या नहीं दोस्तों। अब ध्यान सुनिए, 3-4 सहायकी नदी दरों, 3-4 इसकी ट्रिब्यूटरी दरों काम आएंगी आपको यहाँ पर, 3-4 ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, स्विच कर लें हम लोग यहाँ पर, बढ़िएगा आराम से। काली गंगा जुड़ती है से कौन सी नदी? धौली गंगा जुड़ती है, सुनिएगा आराम से, धौली गंगा जुड़ती है यहाँ पर, कहाँ जुड़ती है? तवा घाट पर, ठीक है, काली गंगा जुड़ती है धौली गंगा कहाँ पर दोस्तों? तवा घाट कहाँ पर आता है? पिथौरागढ़ में, पहली नदी होगा याद रखिएगा। उसके बाद ओ फेमस जौलजीबी, जौलजीबी टाउन का नाम सुना है दोस्तों ने? जौलजीबी टाउन का नाम, जौलजीबी आर्ट एंड कल्चर में नाम आता है इस शहर का, बड़ा प्यारा सुंदर गांव जौलजीबी। जौलजीबी जो है ना दोस्तों, जौलजीबी की बात में करूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है जौलजीबी, ये जौलजीबी उत्तराखंड में आता है ये, और यहाँ पर बहुत एक मेला लगता है फेयर, बहुत फेमस है, वर्ल्ड क्लास फेमस है अपने आप में जौलजीबी का मेला यहाँ पर, तो वार्षिक मेला लगता है यहाँ पर एक जौलजीबी का। तो जौलजीबी जब आती है तो वहाँ मिलती है इसे कौन सी नदी? गौरी गंगा। एक धौली गंगा मिल रही है दोस्तों काली गंगा से, धौली गंगा कन्फ्यूज मत होइएगा, अलकनंदा वाली नदी अलग है, अलकनंदा वाली नदी अलग है, धौली गंगा यहाँ पर अलग नदी है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग। एक गौरी गंगा मिलती है कहाँ से? इससे जौलजीबी टाउन से मिलती है, पिथौरागढ़ में आता है ये भी, ठीक है दोस्तों याद रखिएगा। उसके बाद एक नदी आती है नेपाल से, चमलिया नदी, जो मिलती है इससे काली नदी से मिलती है, नेपाल साइड से आती है वो नदी, ये तो यहीं से आती है भारत साइड से, धौली गंगा गौरी गंगा, नेपाल से आती है चेलमिया नदी, बाद में सरयू नदी मिलती है, सरयू नदी जॉइन करती है इसको यहाँ पर, और जब पहुँचती है कहाँ पर दोस्तों? ये जगबुदा वैली में, तो उससे जुड़ती हैं दो नदियाँ लड़िया और रामगुन भी, ठीक है। फाइनली टनकपुर, समझिएगा टनकपुर भी आती है उत्तराखंड में ये, और वहाँ से ये एंटर करती है प्लेन में, और इसकी नदी का नाम हो जाता है शारदा नदी, तो काली शारदा या शारदा नदी कहलाती है आपकी ये, टनकपुर के बाद जब एंटर करती है यूपी के प्लेन्स में मध्य मैदानी इलाकों में, तो नदी का नाम रहता है शारदा नदी यहाँ पर। अब एक सुन लीजिए, एक बात और काम के बताने वाला हूँ मैं आपको यहाँ पर, ये आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये मैप, आपको यहाँ पर ये दिख रहा है मैप, या लिखूँ मैं इसके बारे में कुछ बातें दोस्तों, सुन लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग ना मजा आएगा आपको इसके बारे में चर्चा करने में। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैप है, सुनिए आराम से, देखिए
ये है काली नदी आ रही है ऊपर से, ये आ गई धौली गंगा, ये आ गई गौरी गंगा, ये आ गई चेमली नदी यहाँ से नेपाल से, कोई समस्या नहीं है। ये आ गई सरयू नदी यहाँ से। अब सरयू नदी यहाँ मिलती, समझिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, बहुत काम आने वाला है आपको इंडिया नेपाल संबंधों में। ये सरयू नदी जो आ रही है ना नेपाल में, यहाँ पर रामगंगा रिवर भी आती है, पूर्वी रामगंगा नदी, सरयू नदी, सरयू नदी मिलती है इससे पहले नंबर स्थान पर, देख रहे हैं एक नंबर पर। और एक नंबर पर एक बांध बना है सरयू और काली के मिलने पर, ये काली और ये सरयू, यहाँ एक बांध बना है दोस्तों, उसका नाम है पंचेश्वर डैम, उसका नाम है पंचेश्वर बांध, याद रखेंगे हम लोग, बहुत काम का है ये, यूपीएससी पूछता है इसके बारे में। पंचेश्वर डैम परियोजना भारत नेपाल का जॉइंट प्रोजेक्ट है, पंचेश्वर डैम, सुन लीजिए कहाँ बनता है ये, सरयू नदी और काली गंगा, काली नदी के मिलने पर। फिर साफ करके फिर दिखाऊँ मैं आपको, स्विच करके दिखा रहा हूँ, आराम देखिएगा, ये बड़ी मोटी धारा आ रही है काली गंगा काली नदी की, ये साइड से आ रही है सरयू नदी, और यहाँ पर बंधा एक बांध जिसका नाम है पंचेश्वर डैम। पहली बात, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है, पढ़ पा रहे हैं आराम से आप लोग यहाँ पर। ठीक है, पंचेश्वर क्लियर हो गया आपको दोस्तों। अब नदी आगे बढ़ती है, दूसरा बांध बना है यहाँ पर, दूसरा बांध बना है, उसका नाम क्या है दोस्तों, रुपल डैम बना है यहाँ पर, रुपल डैम दूसरा बांध बना है किस पर, काली नदी पर। तीसरा और आगे बढ़ती है नदी, तीसरा डैम बना है दोस्तों, उसका नाम क्या है, पूर्णागिरी हाई डैम, तीसरा बांध है पूर्णागिरी हाई डैम का। और बढ़ती आगे नदी, चौथा बना है टनकपुर बैराज, फोर्थ है टनकपुर बैराज, यहाँ है टनकपुर बैराज दोस्तों, उत्तराखंड की अंतिम सीमा खत्म होती है यहाँ पर, टनकपुर बैराज से निकलती है शारदा कैनाल सिंचाई परियोजना, जी हाँ टनकपुर बांध अंतिम, टनकपुर बैराज जो है अंतिम बैराज है नदी, काई नदी पर, यहाँ से निकलती है टनकपुर बैराज से सिंचाई के लिए, सिंचाई परियोजना निकलती है यहाँ से, याद रखिएगा, भारत में कहते हैं शारदा कैनाल और नेपाल में जाती है कैनाल से कहते हैं महाकाली सिंचाई परियोजना, याद रखिएगा। फिर सुन लीजिए आराम से, हटा के दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर चीज़ों को, स्पष्ट होना चाहिए आपको दोस्तों, भूलना नहीं है यहाँ पर, टनकपुर कैनाल अंतिम है, टनकपुर बैराज अंतिम है इस कड़ी में, यहाँ से दो धाराएं निकलती हैं पानी सिंचाई की, एक है शारदा कैनाल जो इंडिया में आती है और एक है महाकाली कैनाल या नहर जो नेपाल साइड जाती है। तो टनकपुर पे नदी को रोक कर दो भागों में पानी बांटा जाता है, शारदा कैनाल भारत में और महाकाली कैनाल नेपाल में जाती है, क्लियर होना चाहिए दोस्तों को यहाँ पर ये दो पार्ट। तो धौली गंगा गौरी गंगा चेमलिया सरजू पे बना है आपका पंचेश्वर डैम, याद रखिएगा पंचेश्वर डैम परियोजना, सबको मिलाकर कहते हैं हम लोग पंचेश्वर बांध परियोजना, भूलेगा नहीं, इंडो नेपाल जॉइंट प्रोजेक्ट है और इसी को कई जगह पर महाकाली परियोजना भी कहा जाता है, इंडो नेपाल संबंधों में पढ़ते हैं अब इसे ही महाकाली परियोजना भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। हो पाई ये बात हमारी, उम्मीद कर रहा हूँ बात स्पष्ट हो रही है दोस्तों आपको मेरी, यहाँ पर कोई समस्या नहीं आ रही है। इंद्रनील मंडल कह रहे हैं सर प्लीज डिस्कस अबाउट पीएसयू प्राइवेटाइजेशन एंड इफेक्ट ऑन गवर्नमेंट जॉब, शुड वी फॉरगेट द ड्रीम ऑफ गवर्नमेंट जॉब एट पीएसयू, प्लीज डिस्कस अबाउट इट एंड हेल्प इन प्रिपरेशन। अरे दोस्त इंद्रनील, चर्चा भी समय नहीं है बात करने का हमारे ना, तो परेशान नहीं होना हमको अभी, अभी हम बात कर लें टनकपुर की। टनकपुर पे फिल्म आई थी कुछ दिनों पहले, मैं सुना था हमारे एक मीडिया में एक सीनियर थे उन्होंने बनाई थी फिल्म, वो मीडिया वाले पर्सन थे, पहले वो इंडिया टीवी में थे, वो एक सीनियर पोस्ट पर उन्होंने बनाई थी फिल्म, टनकपुर पे एक फिल्म आई थी, तो उनकी कभी सर्च की जगह मिल जाएगा उनका मीडिया बैकग्राउंड, तो उनको उन्होंने प्रीमियम जब किया था फिल्म का, हमको बुलाया था देखने के लिए, आप लोग सब आइए मीडिया गाइस सब देखिए बताइए रिव्यू कैसा दीजिए, तो मैं नींद आ गई थी फिल्म देखते देखते, अलग बात है कभी और बात करेंगे उस पर, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई दोस्तों हमको, ये हो टनकपुर की बात आपके साथ, ये हुई आपके साथ मैप की बात, तो नेपाल की बात समझ गए। अब आते हैं एक छोटा सा बात और जान लेते हैं, हुआ क्या लास्ट ईयर 5 अगस्त को घटना हुई देश के अंदर, घटना क्या हुई दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य को वाइपआउट कर दिया हम लोगों ने और बना दिया दो यूटी बनाए, उसके बाद भारत सरकार ने कुछ दिनों बाद एक नया मैप जारी किया देश का नया मैप जारी किया हमारे सर्वे ऑफ इंडिया ने, उस नए मैप में क्या किया, हमने दिखाया ऐसा बनाया मैप कि भैया नदी है ये इलाका, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमने दिखाया ये इलाका है नदी, काली नदी हमारे इलाके में बहती है, और ये दिखा दिया हमने पंचेश्वर डैम बना है वॉट एवर, यानी काली नदी दिखा दी हमने कहाँ पर बनी है हमारे इलाके में, ये नेपाल है और ये भारत का इलाका है।
तो सर्वे ऑफ इंडिया ने मैप जारी किया जम्मू कश्मीर के यूटी बनने के बाद, नया मैप जारी किया सरकार ने, उसमें काली नदी को दिखा दिया हमारे यहाँ पर। नेपाल ने विरोध किया, भैया गलत बात है, राज्य हमारी इलाका है, विवादित इलाका है, आपने कैसे अपने मैप पर दिखा दिया, ये वो चिल्लाई भर नेपाल सरकार। नेपाल सरकार ने कठी बात करने कोई बात नहीं। बात करने कुछ दिनों बाद नया एडिशन जारी कर दिया, फिर से नया संस्करण जारी कर दिया मैप का। और इस बार क्या किया, 8th एडिशन में नदी का नाम लिखा हुआ था, 9th एडिशन में नदी तो बनी हुई है, नाम गायब कर दिया। समझ आई दोस्तों बात आपको, यहाँ पर नहीं आई समझ में, समझिए डिप्लोमेसी कैसे होती है, समझ लीजिए आराम से। 8th एडिशन में नाम लिखा हुआ था नदी का, नेपाल ने आपत्ति दर्ज कराई, भाई नाम कैसे लिख दिया नदी का आपने, ये वो नदी तो हमारी है। हमने क्या किया, अगले नाम ही गायब कर दिया नदी का, हटाओ या नाम ही लिखते, नदी तो हमारी है ही है, नाम ही लिखना हमको। तो समझ सकते हैं आप कैसे काम होता है देश के अंदर। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ गए होंगे। यहाँ पर भारत सरकार ने क्या किया एग्जैक्टली, तो भारत सरकार ने, ठीक है, तो भारत सरकार ने वो हटा दिया नाम वहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो ये था चर्चा टनकपुर के बारे में। टनकपुर के साथ साथ बात थी आपके साथ, पूरी कहानी उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी, फेमस तस्वीर पिथौरागढ़ के शारदा कैनाल काली नदी की दोस्तों। तो ये है पूरा विवाद सड़क बनने को लेकर, नेपाल आपत्ति कर रहा है, करने दीजिए उसका काम, है भारत का इलाका है, भारत की विवादित इलाका है, हम चर्चा करते रहेंगे, हम प्रयास करेंगे भारत नेपाल बैठकर सीमा को सुलझा लें, अपने सर्वे बाइज इंडिया भारत समझा लें, और चीन के बहकावे में ना आए नेपाल, चीन भड़का रहा है नेपाल को समय भारत के खिलाफ, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी चाहिए, नेपाल संबंध अच्छे बनाए हम लोग, और अच्छा पड़ोसी हमारा। और एक लास्ट लाइन याद रखिए, काम की बात सुन लीजिए लास्ट लाइन में, ये अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से आप लोग, नहीं जानते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्या इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, कितनी सीमा टच करता है भारत किस देश के साथ, आपकी स्क्रीन पर ऑफिशियल इंडिया का मैप है ये, कितनी सीमा टच होती है किस देश के साथ, सब लिखे हुए हैं आपके नाम, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिए, इंडो अफगानिस्तान, इंडो पाकिस्तान, इंडो चाइना, इंडो भूटान, इंडो नेपाल, इंडो म्यांमार, इंडो बांग्लादेश एंड तटीय रेखा, तो याद कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है, भारत की इंटरनेशनल सीमा को दोस्तों यहाँ पर इतना आपको याद करना है, उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई है आपको सारी की सारी यहाँ पर। ठीक है, अच्छा एक ज़रूरी सूचना, अब आइए सब मामला खत्म हो गया हमारा, एक ज़रूरी सूचना पर चर्चा कर दूँ मैं आपके साथ। सूचना क्या है दोस्तों, ज़रूरी सूचना क्या है हमारी, जैसा कि आप जानते हैं कल यानी 20 मई ऐतिहासिक दिन 20 मई 2020 को आशीर्वाद सर आपके ला रहे हैं न्यूज़ एनालिसिस अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में, उसका लिंक मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया है, अभी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक है उसका जाके एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कीजिए, फ्री क्लासेस होंगी, करंट अफेयर्स शो मेरा यहाँ पर, न्यूज़ एनालिसिस विद आशीर्वाद सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर करंट अफेयर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन, विवादों में पढ़ना ही नहीं है कुछ और यार, कुछ और देखना ही नहीं है, कुछ और करना ही नहीं है, वन स्टॉप सॉल्यूशन हो करंट अफेयर्स का दोस्तों। ये प्लेटफॉर्म पे जाएंगे हम लोग, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, स्पेशल क्लास सुनेंगे वहाँ पर, आशीर्वाद सर सर्च करेंगे, क्लास आ चुकी है उसको लाइक कर लेंगे, उसको शेयर का बटन दबा लेंगे वहाँ पर, जिससे आपको कल रिमाइंडर मिल जाए उस क्लास 11 बजे शुरू होने से पहले। टाइम रहेगा कल दोस्तों 11 बजे का टाइम रहेगा उस पर, तो अनअकैडमी क्लास में आइए, ज्वाइन कीजिए मुझे करंट अफेयर्स आशीर्वाद सर से, 12 साल के एक्सपीरियंस साथ जुड़ेंगे हम लोग करंट अफेयर्स में आपके साथ, वन स्टॉप सॉल्यूशन। और क्या जानना है दोस्तों आपको यहाँ पर, और क्या जानकारी होना चाहिए इसके अलावा, आशीर्वाद सर आपके लाए दोस्तों क्या, इसके लाए मैं आपके लिए प्लस क्लासेस अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर, आप वहाँ भी आ सकते हैं मेरे साथ, वहाँ चल रहे हैं इकोनॉमी कोर्सेज आपके साथ, बीइंग अ सीनियर मोस्ट गाय, वन ऑफ द सीनियर गाय इन दिस चैनल, मैं आपको बोल सकता हूँ कि मैं आपके संग जुड़ूंगा वहाँ पर, प्लस प्लेटफॉर्म पर हम बात करते हैं इसी एनर्जी के साथ, वहीं पढ़ते हैं, वहाँ भी एनर्जी कम नहीं होती कुछ भी, वहाँ भी इसी एनर्जी के साथ इसी इन्जॉयमेंट से पढ़ते हैं हम लोग वहाँ पर, और अच्छी बात होती है कि वहाँ भी मैं खड़ो के पढ़ाता हूँ, आमतौर पर प्लस के टीचर बैठ के पढ़ाते हैं, लेकिन मैं वहाँ भी खड़ो के पढ़ाना पसंद करता हूँ, अच्छा लगता है मुझे, इसी एनर्जी से हम जुड़ते रहें वहाँ पर, तो प्लस पर भी प्लेटफॉर्म पर भी आप आ सकते हैं, इसी एनर्जी इसी गाइडेंस का फायदा उठा सकते हैं, जुड़िए मुझसे वहाँ पर। उसके लिए क्या करना है दोस्तों, प्लस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए कोर्स चालू हो चुका है इकोनॉमी का वहाँ पर, एक दो क्लास हो चुके हैं इसके, आइए ज्वाइन कीजिए मुझे वहाँ पर। इसके अलावा जुड़ने के लिए क्या करेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी ही करनी है आपको, आप चाहे फ्री क्लास लें या पेड क्लास लें, आपको आना ही इस ऐप पर है, इंस्टॉल कीजिए, यूपीएससी सेलेक्ट कीजिए, और यदि आप प्लस से जुड़ना चाहते हैं हमारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जुड़ना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन से, तो क्या करेंगे आप, सब्सक्राइब करेंगे, पेड कोर्स सेलेक्ट करेंगे, एक से लेकर 24 महीने का ऑप्शन आपके पास है, अप्लाई करेंगे रेफरल कोड यहाँ पर, रेफरल कोड अप्लाई करने के लिए आशीर्वाद 10 का यूज करेंगे, और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, कंपनी की ओर से दिया जा रहा है, अनअकैडमी की ओर से आपको दिया जा रहा है 10% डिस्काउंट दोस्तों, इसको प्राप्त कीजिए। इसके बाद आपका 24 मंथ्स का जो फीस है दोस्तों कितना रह जाता है आप जानते हैं, कितना फीस होता है 24 मंथ्स का आपका, जी हाँ 48,000 जो फीस है आपका 24 महीने का वो कम होकर रह जाता है इसके बाद 10% डिस्काउंट के बाद 43,200 फॉर 24 मंथ। एक काफ़ी अच्छा ऑफर है अगर देखा जाए तो, मैं अपने विश्वास से कह सकता हूँ काफ़ी अच्छा ऑफर है। उसके बाद जो आपको फ़ायदा मिलने वाला है, टीचर्स हैं इनके कोर्स चल रहे हैं प्री के मेंस के जीएस पेपर्स के ऑप्शनल पेपर्स के, उसके बाद वन टू वन बात करने के बारे में, मतलब जैसे मैं बच्चों को जूम कॉल करता हूँ अपने या बात करता हूँ उनसे वन टू वन, हम लोग बात कर रहे हैं आजकल,
तो उनसे बात करने का मौका मिलेगा, हम उससे बात करने का मौका मिलेगा, जो फैकल्टी आप यूज़ करेंगे, आपका मेंटर कोड आप यूज़ करेंगे, उससे आपको बात करने का मौका मिलेगा, कहीं ना कहीं अपनी फैकल्टी से आप जुड़ सकते हैं, गाइड कर सकते हैं फैकल्टी आपको वहाँ पर। तो आइए जुड़िए हमसे, यहाँ पर अच्छा मौका चल रहा है, क्योंकि अभी कुछ महीने, कुछ मैं कह सकता हूँ कुछ महीनों तक ऑफलाइन में कुछ संभावना नहीं दिख रही है हमको वहाँ पर, तो ऐसे में क्लासेस वहाँ नहीं होंगी, तो बहुत अच्छा मौका है कॉम्पीट करने का। समय सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए कहीं ना कहीं, तो एक अच्छा मौका है आपके पास, कॉम्पीट करें, जुड़े हमारे साथ यहाँ पर, क्योंकि ये एडवांटेज है, ये एडवांटेज है, वन टू वन जुड़ने का मौका मिलता है। बाकी यूट्यूब क्लास इसका विकल्प नहीं है, ये तो पढ़ेंगे दोस्त मेरे साथ आप, यहाँ क्वालिटी की कोई कमी नहीं है, यहाँ क्वालिटी कोई कम नहीं है, यहाँ क्वालिटी अच्छी मिल रही है, वहाँ भी मिलेगी आपको, वहाँ पर हमसे इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, वन टू वन मिलने का मौका मिलेगा। तो आइए दोस्तों वहाँ जुड़िए हमारे साथ, 10% डिस्काउंट प्राप्त कीजिए आराम से यहाँ पर आप, और जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर भी।